जहानाबाद के गांधी मैदान में स्थित महर्षि विद्यापीठ विद्यालय में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष रानी कुमारी, SDPO राजीव कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, लोजपा नेत्री इंदु कश्यप, समाज सेवी प्रोफेसर कृष्ण मुरारी, डॉक्टर राजीव कुमार सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस अवसर पर आए तमाम अतिथियों को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को विद्यालय के डायरेक्टर साकेत रोशन एवं प्रिंसिपल सोनाली शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर आए तमाम अतिथियों के द्वारा विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर साकेत रोशन ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान हम सबों का दायित्व होना चाहिए। ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देंगे। आइए देखते हैं आयोजित कार्यक्रम की प्रमुख झलकियाँ। SK मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। हमारे विद्यालय के द्वारा शिक्षकों के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शिक्षकों के बिना ज्ञान असंभव है और इस देश के फ्यूचर और इस देश के भविष्य शिक्षकों पर ही निर्भर है। और हम लोग जब तक शिक्षक का बेहतर से बेहतर सम्मान नहीं करेंगे तो वो शिक्षक का आत्मबल विश्वास और ऊपर नहीं उठेगा। शिक्षक का आत्मविश्वास और ऊपर उठाने के लिए आज हमने शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जहाँ आज जिले के जिला पुलिस पदाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष और कई समाज सेवी डॉक्टर लोग आए और शिक्षकों को सम्मानित किए। शिक्षकों का सम्मान कमा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शिक्षक का सम्मान बेहद जरूरी है, क्योंकि शिक्षक की शिक्षक पर ही देश का भविष्य निर्भर करती है। शिक्षक जैसा भविष्य बनाएंगे बच्चे उस ओर जाएंगे, तो शिक्षक का सम्मान बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें ये पता चलना चाहिए कि हाँ, हमारे शिक्षा से ही ये देश का भविष्य निर्भर कर रहा है और वो सही शिक्षा प्रदान करेगा। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आप? बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं, हमेशा आप शिक्षक का सम्मान जरूर करिए, शिक्षकों की बातों का हमेशा अध्ययन कीजिए और उनके अनुरूप ही काम कीजिए। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे इस शिक्षक सम्मान समारोह का मुख्य मकसद ये था कि बच्चों को ये बताएं कि शिक्षक हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, हमें किस तरह आगे ले जाते हैं, किस तरह हमारे भविष्य को बनाते हैं, शिक्षकों की हमें आदर कैसे करनी चाहिए, ये सब कुछ बच्चों को बताने का मकसद था हमारा। इसलिए हमने इस शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस सबको बातें की चाहिए। शिक्षकों का सम्मान घटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत शिक्षकों का सम्मान नहीं हो रहा है, शिक्षकों का सम्मान अभी भी होता है। बस बच्चे में हमें बचपन से ये सिखाना पड़ता है कि हमें शिक्षक क्या होते हैं, कैसे हमें बनाते हैं, कैसे हमारे भविष्य को संवारते हैं, बस ये उन्हें बताने की ज़रूरत है। वही चीज़ हम बच्चों को नहीं बताते हैं तो बच्चे आगे चल के इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अगर माँ बाप भी कुछ बच्चों को समझाना चाहते हैं तो वो उन्हें अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं। तो बस यही बात है, और कुछ है नहीं। शिक्षक बस उन्हें बचपन से ही बताने की ज़रूरत है कि शिक्षक हमारे भविष्य के लिए हमें बताते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, जो भी है उनके भविष्य के लिए होते हैं।